तो गाइस, पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब एमजी मार्केट में फंसे हुए थे और बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। उसी वजह से और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने। और भीगते हुए उधर जो फ्लैग था, नेशनल फ्लैग मैंने देखा है तब ब्लॉग में। उस नेशनल फ्लैग बाजू में बाईं ओर एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ही टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी पकड़ के भीगते हुए हम लोग चले गए सीधा 5 माइल। 5 माइल पे जो हमारा रूम था, उस रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और उधर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए ब्लॉग का जो ख्याल था वो थोड़ी देर के लिए नहीं था। उसके बाद कुछ क्लिप बनाया था मैंने, वो क्लिप डिलीट करना पड़ा मुझे, क्योंकि उन लोगों का भी प्राइवेसी का मामला था। इसीलिए उसके बाद का जो वीडियोज है, उस रूम को छोड़ने के बाद, वो वीडियो आप लोग इंजॉय कीजिए। तो गाइज, हम लोग जहाँ पर थे पहली रात के लिए, उस जगह को छोड़ चुके हैं हम लोग और निकल चुके हैं एक होटल की तलाश में। और बहुत ही बढ़िया जगह था, आप लोगों को दिखा देंगे। ये देखिए, उस फ्लैट में थे हम लोग और देखिए इधर से चढ़ के आए हैं। एक पूरा पहाड़ चढ़ लिया हम लोगों ने। और क्या ही बताऊँ, इधर मैं 4 से 5 बार कल से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। और अभी तो बैग है पीछे, अभी होटल में जा रहे हैं। होटल में पहुंचने के बाद आप लोगों से बहुत ज्यादा बातें करेंगे। ओके I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last. Guys, बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद अभी हम लोग एक होटल मिल चुका है हम लोगों को, जिसका नाम है होटल ओम रेसिडेंसी। बहुत ही मजा आ रहा है, अभी हम घूमने जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग करेंगे घूमने जाने के बाद, तो जुड़े रहे ना हमारे साथ। गाइस, हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं और गैंगटोक में आसपास में ही घूमेंगे। थोड़ा आज घूमेंगे, उसके बाद कल सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। और अभी सोच रहे हैं, एक व्यू पॉइंट है इधर, उस व्यू पॉइंट में जाएंगे, उसके बाद उधर फोटो शूट वगैरह करेंगे। और रोपवे में चढ़ना हो तो चलेंगे, या देखेंगे क्या प्लान है सामने का। अभी हम लोग व्यू पॉइंट में आ चुके हैं और आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। गाइस, अभी फोटो शूट चल रहा है, ये देखिए क्या ही व्यू है यार। फोटो शूट वगैरह कंप्लीट, अब जाएंगे रोपवे की तरफ, एमजी मार्ग जाएंगे फिर। ये देखिए लास्ट व्यू, इधर से व्यू पॉइंट से। तो चलिए रोपवे के स्टेशन पे चलते हैं। ये देखिए ढलान, इधर है ढलान और ये देखिए चढ़ान। गाइस, क्या ही बताऊं, व्यू पॉइंट से आते टाइम जो चढ़ान है उसमें उठते उठते ही खत्म। चलिए रोपवे के टिकट काउंटर में मिलते हैं। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे पे। जो टिकट प्राइस है 146, एकदम GST वगैरह सब मिला के 146 अप डाउन। और रोपवे में जाके वीडियो करेंगे आप लोग, वीडियो और जो सीनरी है वो एंजॉय कीजिए। I just wanna
lost in your bed, but we're running out of time. We were doing alright, holding on but losing the fight. ग्रुप का जो एक्सपीरियंस था, मैं बोलूं एक बात कि एक डिफेक्ट है कि आने के टाइम भी एक ही साइड और जाने के टाइम भी एक ही साइड. अगर उधर पे मोड़ देता तो आने के टाइम एक और साइड मिलता, लेकिन एक ही साइड है. लेकिन बढ़िया व्यू था और मज़ा हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा हुआ. तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा भाई. रूप में कैसे लगा? फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. तुम जर रहे थे, क्या बात है यार, जिंदा हो अभी. आप अगर ट्राई करना चाहते तो ज़रूर कर सकते हो. सब कुछ एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है और सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग. और आप लोगों से मिलेंगे जाने के वक्त अगर कुछ खास आता है तो. गाइस, ठंड लगने लगा है और शायद बारिश भी होने लगेगा. और हम लोग अभी जा रहे हैं एमजी मार्केट. एमजी मार्केट से करीब में ही है हमारा होटल, इसलिए अभी एमजी मार्केट घूमेंगे. और शाम होते होते अगर बारिश स्टार्ट हो जाए तो बारिश स्टार्ट होते ही होटल चले आएंगे, ठीक है. और चलिए एमजी मार्केट में आप लोगों से मिलते हैं. गाइस, अभी एमजी मार्केट में हम लोग आ चुके हैं. हंसी बोल से कुछ सुनिए एमजी मार्केट के बारे में और गैंगटॉक के बारे में. हम क्या बताएं, पूरा बताओ बताओ. पूरा तो वाव वाव हो चुका है. क्या बताएं, वाव वाव लग रहा है पूरा. ओ देखो वायु. ओहो वाव वाव वायु. क्या मिल गया ना. अच्छा कौन सी डन. तो गाइस ठंड बहुत है यार, बहुत ठंड है यार. क्या बोलूँ, बहुत ठंड है. हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और एसी वेसी में रहते हैं. लगता है किसी ने एसी में गुजार दिया हो हमको. वही लगता है कि ये पूरा जो शहर है पूरा ही एसी में है. चलिए अभी तो ये एमजी मार्केट का शुरुआत है, आगे एमजी मार्केट प्रॉपर एमजी मार्केट है उधर. गाइस एमजी मार्केट का शाम का व्यू. और इधर में एक टाइम लैप तो नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. और चलिए टाइम लैप करने की कोशिश करेंगे. अभी एक बैठने की जगह मिल जाए बस टाइम लैप करेंगे. ऐसे यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट हुआ है कि दूर में कोई सीट अगर खाली दिख रहा है, हम लोग जब जाने की कोशिश कर रहे हैं उधर बस बैठने की कोशिश कर रहे हैं. एक सीट इधर क्लियर है और इधर हम बैठेंगे. किस्मत किस्मत का खेल. अब क्या करेगा लोटा. चलो किस्मत खेल. देखा आप लोगों को बता ही रहे थे और क्या खोज लेते ना. गाइस आज भी आसमान का जो हालत है वो बहुत ही बुरा है. देखिए क्या ही बताऊं, बस एमजी मार्केट कभी भी नहीं जाता. आज बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. पता नहीं ऐसे लोग कैसे आते हैं, जानते हैं कि हर रोज़ बारिश होगा और फिर भी आते हैं. गाइस ये देखिए बारिश हो रहा है अभी, इसीलिए हर एक जगह पे ये बैठने के लिए ऊपर प्लास्टिक लगा देगा. ऐसा ही लग रहा है और भीगेगा नहीं कोई. गाइस ये देखिए द ड्रैगन वॉक क्या बना है यार. बनाने वाले को गोली मार दी. नहीं नहीं, इसका कारीगर को हम 5,000 नहीं 50,000 देंगे. देखिए एमजी मार्केट, एमजी मार्केट में एक भी जगह में बैठने का जगह नहीं मिला, इसलिए हम लोगों को यहाँ ही बैठ जाएंगे. क्या करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे. एक जो है टाइम लैग बनाते हैं. ओके गाइस, फिर से बारिश स्टार्ट होने लगा है और अभी हम लोग निकलेंगे इधर से. और टाइम लैप कैसा लगा ज़रूर बताना. चलिए होटल की तरफ निकलते हैं और एमजी मार्केट से ऊपर ही है हमारा होटल. तो गाइस अभी होटल में आ चुके हैं हम लोग और टायर्ड है बहुत. अभी शायद जल्द जुकाम आएगा, ऐसा ही लग रहा है. रोज़ शाम को जब ही आते हैं रूम में बस ऐसा लगता है कि बुखार आएगा, लेकिन सुबह तक ठीक हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाएंगे. उसके बाद फिर से निकलेंगे पहाड़ों में वादियों में. तो आज के लिए इतना ही बस, कल अब फिर से उठेंगे, फिर से नया ब्लॉग. बाय.